नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फायर टीवी न्यूज। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया नियम निकला है कि पटाखे जो है वो 2 घंटे के लिए अलाउ करें, उसकी एक टाइम लिमिट तय कर दी गई हुई है। तो हम यहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन जानना चाहते हैं कि जो पटाखे एक्चुअली में जो पटाखे वो लोग पूरी नाइट फोड़ते थे, बट अभी एक्चुअली में टाइम लिमिट है, तो उस पर उनकी क्या रिव्यू है, क्या रिएक्शन है। तो वही रिएक्शन हम जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं आम पब्लिक का। यहाँ कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल इलाका है, तो यहाँ दोनों जगह जाके हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उनका रिव्यू जानेंगे। तो कैमरामैन प्लीज आप मेरे साथ चलिए और रिव्यू देखते हैं, लेट्स गो। कैमरामैन जैसा कि वहां पर एक पर्सन दिख रहा है, चलिए आइए जानते हैं उनका रिव्यू, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 हेलो सर, एक्चुअली सर एक मिनट बात करनी थी आपसे। सर मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश निकला, एक नियम निकला है कि आप पटाखे जो है वो टाइम लिमिट हो गई उसमें कि 2 ही घंटे आप पटाखे फोड़ सकते हैं, तो मैं जानना चाह रहा था उसमें आपकी प्रतिक्रिया बता सकते हैं, आप रिएक्शन आपका कि आपको ये नियम कैसा लगा, क्योंकि पहले काफी लंबा टाइम था फोड़ने के लिए पटाखे। ये कब निकला है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप सर, ये नियम अभी 2 दिन पहले ही तो रिलीज किया है गवर्नमेंट ने। सर कैसी बातें कर रहे हैं, निकल चुका है सर ऑलरेडी। अरे सर मेरी बीवी तो रोज दिवाली मनाती, मेरी फटाखा फोड़ती मेरे को सर, मैं ऐसी बम फोड़ता हूँ। सो सैड सर, मैं समझ रहा हूँ सर, तो ये तो बड़ा नियायती काम है कि सर आपकी बीवी जो है, वाइफ है आपकी, वो आपके हाथ रोज दिवाली मनाती है, आपका दिन कब आएगा जब आप दिवाली मनाएंगे सर? अरे सर बहुत महीने बीत गए, मैंने दिवाली नहीं मनाई अपनी बीवी की। आप जैसे लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा सर, आप जाइए पहले, आप अपनी दिवाली मनाइए। आप ये देखिए, ये ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जिन्हें आदेश के बारे में नहीं पता, इनकी दिवाली रोज मनती इनकी वाइफ के द्वारा है। कैमरामैन फोकस करो, 2 पर्सन आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर जी, सर मैं जानना चाह रहा था, अभी आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया नियम निकला है कि पटाखे जो है वो 2 घंटे ही फोड़ सकते हैं, उसके बाद आप नहीं फोड़ सकते पटाखे? जी सर, वो 2 दिन पहले पढ़ा था मैंने पेपर में। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर मेरे को रिव्यू तो सर, रिएक्शन दीजिए सर। सर क्या कर रहे थे, ना तो मेरे कैमरामैन की शादी हुई है ना उसकी बारात निकल रही है, फिर भी आप डांस कर रहे आ रहे हैं, तो वो बात ही ऐसी है। अरे सर पहले 12 बजे के बाद बम फोड़ते थे हम, इस बार 10 बजे के बाद से बिनना चालू कर देंगे। तो मतलब सर आप बम बिनने का काम करते हैं? हाँ हम बम बिन के फोड़ते हैं। तो आपके लिए तो खुशखबरी है। हाँ हमारे लिए खुशखबरी है सर, वो खुशखबरी मैं समझ रहा हूँ, पर आप ऐसा ना करें, 10 बजे के बाद अलाउ नहीं है बम फोड़ना, नहीं तो आपको पेनल्टी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? देखिए पब्लिक, मैं आपसे यही बताना चाहूंगा, आम जनता देखिए यहाँ पे कैसे कैंडिडेट से, कैसे पब्लिक। सर मैं एक रिव्यू जानना चाह रहा था, अभी आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया नियम निकला था कि पटाखे जो है वो 2 घंटे की टाइम लिमिट की है उसकी, तो ये निर्णय सुन के आपको मतलब क्या फील हुआ, अच्छा नियम है या बुरा नियम है, क्या लग रहा है आपको, आप बताएंगे, आप इस पर अपना कुछ देंगे टिप्पणी या आप अपना रिव्यू देंगे मुझे? अच्छा हो या बुरा हो तुम्हें क्या उससे? सर मुझे क्या सर, एक्चुअली मेरी जॉब है, तो मैं इसलिए आम पीपल्स की राय जान के दूसरी पीपल्स जो हमारी कवरेज है। जॉब कहीं और जाके करो, चलो निकले यहाँ से, जाओ। सर समझ रहा हूँ मैं सर, ठीक है आपको नहीं दे रहा, सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप देंगे रिव्यू? मेरे से रिव्यू दे सर, तो आप कहीं की तोप है क्या? अरे तोप नहीं, अभी बताएंगे क्या है, बताइए उसको, बता बताइए, ज्यादा बोल रहा है। बिल्कुल सर, मेरा काम है ये नहीं देना, तो एक बार बोला जा, निकल यहाँ से, चल निकल। सर ज्यादा गर्मी दिखा रहे हैं क्या? अबे कट्टा निकाल बे इसकी, बारात की। इसको बता पहले मैं कौन हूँ, बता। ठंड पाइए सर, समझ रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। तू जानता है वो उसामा बिन लादेन कौन है? सर निहायत ही कमीना इंसान है सर, निहायत ही कमीना। तू मेरे बाप को बोलेगा सर? क्या हो गया सर आपको, आपका बाप? सर मुझे नहीं पता था सर। तू निकाल। अबे जान दे, छोटी बात है ये तो। सर ठंड पाई है और ज्यादा गर्मी मत दिखाइए, वो देखिए आपके बाराती आ गए, देखिए वहाँ पे पीछे देखिए। बाप भाग जाओ, अरे बाप रे, गर्मी मत दिया करो। सर माफ कीजिए सर, सर अच्छा वो आप भी मिल गए। कैमरा क्या लगा रहे हो? अरे भैया प्राइवेसी नाम की चीज होती कि नहीं? सर माफ कीजिए सर, पर ये सर हम स्वच्छता अभियान भी दिखा रहे हैं, देखिए ना आप, ये स्वच्छता अभियान क्या दिखा रहे हो? स्वच्छता अभियान बच्चे उड़ा रहे हैं आप, क्या है सर ये, क्या है मतलब? आप शूटिंग चल रही का? अरे सर बिल्कुल शूटिंग चल रही है और आप टीवी पे हैं सर, सुनिए सर, टीवी पे, टीवी पे। अरे 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 2 मिनट दो, अरे अम्मा को कॉल लगा रहा था सर। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक क्विज खेल रहे हैं थोड़ा सा। अरे मेरी बात सुनिए पहले, ठीक है? टीवी पे देख लिया आपके अम्मा ने? नमस्ते अम्मा, अम्मा बच्चा आपका खड़ा, अच्छा ठीक है
अच्छा ये बताइए, अभी आपको पता चला न्यूज एक हम न्यूज पढ़ते हैं? हाँ हाँ पढ़ता ना। ठीक है सर, तो देखिए सर अभी बताइए मुझे सर, हमारे गांव वाले सभी देख रहे होंगे, हमारी छमिया भी देख रही होगी क्या? अरे सर छमिया, मिया के पापा, छमिया की मम्मी, आपकी मम्मी, आपके पापा सब देख रहे हैं। आप देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। देखिए बताइए अभी जो आपको पता चला ये न्यूज अभी हुई है लीक, लीक के मतलब आप समझ ही रहे, पढ़ते हैं पेपर तो आपको पता ही होगी अभी ट्रेंडिंग में कौन सी चल रही है। सर आप वही तो नहीं बोल रहे जो 8 से 10 के बीच फटाके वाली? सर सर उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि मतलब वो नियम अच्छा है कि बुरा, आपको क्या लगता है? सर मैं तो पहले भी टिकली फोड़ता था, अभी भी टिकली फोड़ूंगा। फोड़ते हैं सर? मैं नहीं फोड़ता, मैं टिकली फोड़ता हूँ, माचिस जलाता हूँ और आपकी गोलियां बस। सर आप तो बहुत अच्छा हाथ में लाइए, आप तो इसको ही बंद कर दे। मैं गोग्रीन के साथ हूँ, मैं थोड़ा नेचर को देखता हूँ, प्रकृति देखता हूँ मैं थोड़ी सी। लेकिन सर टीवी पे आएंगे सर, आप सब चीज देखते हैं सर, फिल्में वाले देख लेंगे हमको, सब देख लेंगे सर। पर आपसे एक अनुरोध होगी, खुले में ये जो सोच हो ये सब कर रहे हैं आप, ये कृपया ना करें सर। सर ये तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे आके कभी भी कुछ भी मत ले लिया कीजिए, अभी कुछ और चीज आ जाती है कैमरे में तो हमारी दिक्कत हो जाती है। ये कैमरे में अब ये लीक हुई है तो ये चीज भी आपकी छमिया देखेगी और आप देखिए आपका क्या क्या नुकसान होगा। देखिए पीपल, अब मैं आपको बता देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी तो ये लोगों को सीख देनी है, इनका जब फोटो आएगा तो कल इनके जैसे चार देखेंगे और सोचेंगे अपने ऊपर, समझ रहे? चाहिए अपना छमिया ने देख लिया, ठीक है चलिए चल। ठीक है जैसा कि आपको आ जाएगा सर, आज ही आ जाएगा सर आपके। तो देखिए दर्शक जो अभी आपको रिव्यूज बताएं सारी लोग कैसे कैसे लोग हैं हमारे कर रहे थे, तो इसी तरह से ये अच्छा तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अच्छा नियम है, देखते हैं आई होप सब लोग इसको करें और थैंक यू सो मच। सर मैं जानना चाह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी टाइम लिमिट दी गई हुई है कि पटाखे जो है वो 2 ही घंटे मिलेंगे फोड़ने के लिए, ये कब निकला? सर ये अभी 2 दिन पहले ही निकला। क्या बात कर रहे हो सर? सर आपको इस आदेश के बारे में पता नहीं चला सुप्रीम कोर्ट ने निकाला? अरे सर मेरी तो बीबी रोज दिवाली बनाती है सर, मेरे को इतना फोड़ती है, इतना फोड़ती है कि मैं तो यही भूल गया कि मैं रस्सी बमू के आदमी। अरे सर सर सो सेठ सर मैं समझ रहा हूँ आपके, पर सर पर्सनल मुद्दे पे ना जाते हुए पब्लिकली जो रिव्यू है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, आपकी तो ऑलरेडी दिवाली मन चुकी तो आपसे मतलब ही नहीं पूछने का। सर आपका कब दिन आएगा जब आप दिवाली मनाएंगे? सर भगवान को मालूम है सर, अपन को सर आपको कुछ नहीं हो पाएगा, आप जाइए रिव्यू के लायक ही नहीं आप।